उत्तराखंड के सितारगंज में प्रातः 8 बजे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली नवीन मंडी स्थल से चिंती मांजरा चौराहे से होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई। इस तिरंगा रैली में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य भूमिका निभाते हुए रैली को संपन्न कराया। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत सितारगंज में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं समेत सितारगंज क्षेत्र के समस्त स्कूलों के हजारों छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ तिरंगा रैली में नजर आए। वहीं रैली में क्षेत्र के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी अपनी यूनिफॉर्म तमंगों के साथ हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए तिरंगा रैली में मां भारती की जय बोलते हुए नजर आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज नवीन मंडी स्थल पहुंचकर तिरंगा रैली में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके एक आह्वान पर आज हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए सितारगंज की जनता के बीच आए हैं। धन्यवाद देता हूँ समस्त सितारगंज के वासियों का कि उन्होंने एक आह्वान पर आज आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा एक भीड़ उभली है और हर वर्ग का व्यक्ति आज यहाँ पर भारत की आज़ादी का जश्न मना रहा है। और ये हमारी यात्रा जो है ये मंडी से नुगलिया चौराहे से मानवता चौक और वहाँ से मेन चौराहे पे खत्म होगी। आप देख सकते हैं चाहे वो एक्स आर्मी में डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं जिनको मेडल मिले हैं, आज उनका हम सम्मान कर रहे हैं जो अविभाजित भारत में जो इनकी ज़मीनें पाकिस्तान में थी जो सरदार के रूप में यहाँ पर आए, आज उनको हम सम्मानित करेंगे और एक जश्न मना रहे हैं 75वीं आज़ादी के महोत्सव का। और सितारगंज की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मात्रा में आके इस तादाद में आके आज हमको सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।